तो स्काईरूट ने आज धवन 2 इंजन टेस्ट किया, जो एक क्रायोजेनिक इंजन है। इसके इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा धवन 2 के डिटेल्स और सेकेंडली हम बात करेंगे स्काईरूट के फर्स्ट लॉन्च के डिटेल्स और स्टेटस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल स्काईरूट की जो वीडियोज है वो काफी मस्त है, एकदम मस्त सिनेमाटोग्राफी और काफी अच्छे एंगल्स वगैरह। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये था जब रॉकेट इंजन सडनली फायर करते और आप देख सकते हो आइस भी जो है पाइप के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वो सब गिर जाती है फोर्स के वजह से। आपका कैमरा भी हिलता है और ऐसा लगता है कि बहुत फोर्स है, बहुत थ्रस्ट है, जो काफी कूल था। अब ये आइस क्यों है इस पाइप्स के ऊपर? ये आइस इसलिए है क्योंकि ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ठंडा। अब काफी लोगों को लगता है कि रॉकेट में बस रॉकेट फ्यूल होता है, आग लगती है रॉकेट फ्यूल को और ऊपर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। रॉकेट को फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों लगता है, यानी फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन है नहीं। इस केस में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ही है, पर उसे लिक्विड किया गया है बहुत ठंडा करके, यानी उसे लॉक्स कहते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन। ये -183 डिग्री पे स्टोर्ड है। और जो फ्यूल है वो है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मोस्टली मीथेन है, पर प्योरली मीथेन नहीं है। प्योर मीथेन महंगा है और उसका सप्लाई चेन भी इंडिया में उतना एस्टेब्लिश नहीं है। तो ये एलएनजी और लॉक्स का इंजन है। इसने जो थ्रस्ट प्रोड्यूस किया फायर होने पे वो था 3.5 किलो न्यूटन। अब आप में से अगर कोई ओल्ड फॉलोअर है गरीब सेंडिस का तो आपको याद, मतलब आपको थोड़ा डिजर्व होता होगा कि ये इंजन कहाँ देखा है। कुछ साल यानी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले स्काईरूट ने धवन 1 इंजन टेस्ट किया था। वो एक डेमोन्स्ट्रेटर था क्रायो इंजिन का, उसने तभी 1.5 किलो न्यूटन प्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन डबल कर दिया है इस टाइम फ्रेम में इसका थ्रस्ट। दोनों 3D प्रिंटेड ही थे, पर आपको याद होगा धवन 1 का जो फ्लेम था वो काफी वियर्ड लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसका फ्लो सेपरेशन हो रहा है और वो फास्ट इनफ नहीं है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में आपको शॉक डायमंड्स दिख रहे हैं। पवन जो सीईओ स्काईरूट के, उन्होंने ट्विटर पे कहा था कि इसका जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर पर आर KMPH। तो ये शॉक डायमंड्स हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये जो इंजन है वो ऑप्टिमाइज्ड है अपर स्टेज के लिए, यानी वो स्पेस में जाने के बाद फायर होगी, यानी वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड इंजन है ये। और जब आप अलग प्रेशर लेवल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो जहां फायर कर रहे हो उससे, तब वो प्रेशर फ्लेम के साथ इफेक्ट करने लगता है और शॉक कॉन्स प्रोड्यूस करने लगता है। अगर ये इंजन सी लेवल यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए बिल्ट होती और उसके ऊपर प्रॉपर नोजल होता तो हमें शॉक कॉन्स नहीं दिखते रिगार्डलेस ऑफ वेलोसिटी। उससे याद आया, इसके ऊपर नोजल नहीं है अभी फिलहाल, और जब होगा तो बहुत बड़ा नोजल होगा क्योंकि ये वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड है। पवन से मैंने पूछा, उसने कहा कि उसका जो एरिया रेशो है यानी आपको जो रॉकेट इंजन का थ्रोट है और जो फाइनल नोजल होगा उसका है 60, यानी एरिया वाइज वो 60 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा नोजल होने वाला है इस इंजन के ऊपर इवेंचुअली, जब ये वैक्यूम ऑप्टिमाइज करे। एक और चीज आप आगे देख सकते हो, एक पाइप जा रहा है एकदम वहां जहां आग निकल रही है वहीं पे एक पाइप जा रहा है अंदर। वो इसलिए क्योंकि ये इंजन जो है वो रिजेनरेटिवली कूल्ड है, मतलब मैंने जैसे कहा था दोनों माइनस में बहुत ठंडे है, तो वो एक प्रोपेलेंट या लॉक्स मुझे नहीं पता, पर वो आगे से पाइप करते और वो गोल घूम के इंजन को ठंडा करके इंजेक्टर के पास पहुंचता है अंदर। तो वो ठंडा करके फिर, मतलब काफी कूल है वो। और ये 3D प्रिंटिंग के वजह से वो 3D प्रिंट करते करते ये सब चैनल्स प्रिंट कर सकते हैं, वरना कन्वेंशनल इंजन को आपको वो सब कॉपर ट्यूब्स वगैरह लगा के उसको बंद वगैरह करके वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिल्डिंग प्रोसेस। ये करंट फॉर्म में धवन 2 जो है प्रेशर फेड है, मतलब कोई पंप नहीं है जो फ्यूल और ऑक्सीजन को अंदर पुश कर रहा है। इसके जो टैंक्स है वो बहुत अंडर हाई प्रेशर मेंटेन्ड है और वो प्रेशर की वजह से ही फ्यूल पुश हो जाता है पाइप्स के थ्रू। आई गेस प्लान था इसे इवेंचुअली पंप फेड करने का, शायद हमें और टेस्ट देखने मिले। एनीवेज ये फर्स्ट रॉकेट का इंजन है नहीं, तो पहला रॉकेट जो है विक्रम 1 उसके ऊपर ये नहीं उड़ेगा। ये मेंट है विक्रम 2 के थर्ड स्टेज के लिए, एक थर्ड स्टेज जो है क्रायो स्टेज होने वाला है उसका, तो उसके ऊपर फ्लाई करेंगे धवन 2 को। तो उनके पास थोड़ा टाइम है इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए। टाइम से याद आया, अब डिस्कस करते हैं विक्रम 1 यानी स्काईरूट 1 के फर्स्ट लॉन्च का स्टेटस। हमें समझना होगा विक्रम 1 के चार स्टेजेस है। एक तो है स्टेज 1 जो है कलम 1000 यानी 1000 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट होगा उसमें। सेकंड स्टेज है कलम 250 यानी 250 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट। थर्ड स्टेज है कलम 100 यानी 100 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट। और फोर्थ स्टेज जो है वो एक लिक्विड स्टेज है, उसके ऊपर है रमन इंजिन्स, जो लिक्विड इंजिन्स है, और वो फिलहाल काम कर रहे हैं रमन 2 इंजिन्स के ऊपर। वो कितने होंगे, पहले तो प्लांट थे 4, अभी शायद चेंज हुआ होगा नहीं पता, बट एनीवेज लिक्विड इंजिन्स होंगे और फेयरिंग भी होगा ऑब्वियसली उसके ऊपर। तो देखो अगर हम इस चार्ट के ऊपर पे जाए, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, हम इसे समझते हैं कि ये मेजर माइलस्टोन्स है स्काईरूट
प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले। देखो हमें डेट्स हमेशा सुनाई देंगे कि ईयर एंड में लॉन्च होगा, नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा, बट ये जो माइलस्टोन्स है वो ज्यादा बेटर आइडिया देते हैं समझने लें कि कब लॉन्च होगा। अगर मैं राइट से आऊं तो रमन वन इंजिन हमने देखा है पहले फायर कर चुका है स्काई रूट पर, अभी रमन टू पवन ने कहा कि वो इस क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून में उसका फायरिंग करेंगे रमन टू इंजिन का। तो रमन टू इंजिन का स्टैटिक फायर बचा प्लस रमन टू इंजिन का मे बी इंटीग्रेटेड टेस्ट भी होना होगा पूरे स्टेज के साथ। बट एनीवेज थर्ड स्टेज की बात करें कलम 100 वो ऑलरेडी हो गया उसका स्टैटिक फायर, तो वो हम ग्रीन कर सकते हैं। कलम 250 हमने पहले इमेजेस देखे, उसका जो शेल है जो उसका कार्बन कंपोजिट का जो बाहर का शेल है वो हमने ऑलरेडी देखा है, और पवन ने कहा कि कलम 250 वो एम कर रहे हैं कि इस क्वार्टर वो टेस्ट करें, तो वो दोनों इस क्वार्टर होने चाहिए। अभी नेक्स्ट दो बड़े नेक्स्ट जो बड़ा माइलस्टोन बचा है वो है कलम 1000 का टेस्ट जो पवन ने कहा वो टारगेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा एंड ऑफ द ईयर में, थोड़ा लेट। ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा, बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट भी होगा क्योंकि इतना बड़ा स्टेज, इतना महंगा स्टेज, उन्हें स्टैटिक फायर करना होगा। और मे बी हमें स्काईरूट की तरफ से फेयरिंग सेपरेशन टेस्ट भी देखने मिले, ये गारंटी नहीं है पब्लिकली दिखने मिलेगा कि नहीं, बट रिगार्डलेस तो ये है विक्रम वन का स्टेटस। इससे आई होप आपको पता चले कि कितना काम बाकी है, होपफुली बाय दिस ईयर एंड हमें देखने मिले लॉन्च। बट एनीवेज थैंक्स टू पवन इतना सारा इन्फॉर्मेशन के लिए, और हाँ मेंबर्स को थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत।